जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर विधान परिषद के अध्यक्ष श्रीमान हाजी इनायत अली जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष श्रीमान जेटी नमग्याल जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल के अध्यक्ष श्रीमान फिरोज अहमद जी, विधान परिषद के सदस्य श्रीमान चेरिंग दोरजे जी और यहां उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लद्दाख वीरों की धरती है। चाहे 1947 हो और फिर 1962 की जंग या फिर कारगिल की लड़ाई, यहां के वीर फौजियों ने, लेह और कारगिल के जांबाज लोगों ने देश की सुरक्षा निश्चित। तंगमाला यांग लाची जुले लद्दाखला स्काइस चेनमो चेनमो मा मांगो चौंगस्ते योड़ हाइले। यहां आने से पहले किसी ने मुझे कहा कि लेह में तो बहुत ठंड है, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान है, इतनी सर्दी में आप सभी यहां आए। मैं सचमुच मैं भाव विभोर हूं और आप सबको नमन करता हूं। एयरपोर्ट से उतरने के बाद बहुत बड़ी बड़ी आयु की माताएं एयरपोर्ट के बाहर आशीर्वाद देने के लिए आई थी। इतनी माइनस डिग्री टेम्परेचर में वो खुले में खड़ी थी। पहाड़ियों से सुशोभित लद्दाख अनेक नदियों का स्रोत भी है और सही मायने में हम सभी के लिए ईश्वर का उपहार है। 9-10 महीने में मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। आप जिन मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, हर कठिनाई को चुनौती देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि आप सभी के लिए और डटकर काम करना है। जो स्नेह आप मुझे देते हैं, मुझे ब्याज समेत विकास करके उसको लौटाना है। मुझे ये एहसास है कि मौसम आप सभी के लिए मुश्किलें लेकर आता है। बिजली की समस्या होती है, पानी की दिक्कत आती है, बीमारी की स्थिति में परेशानी होती है, पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करना पड़ता है, दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मैंने यहां पर, मुझे बहुत सौभाग्य मिला है आपके बीच रहने का। पहले जब मैं मेरी पार्टी का संगठन का काम करता था तो बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों के बीच में रहा हूं और इसे मैंने यहां पर रहते हुए खुद देखा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है। साथियों, इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में खुद बार बार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता रहता हूं। पिछली बार बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब 3000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के, 3000 करोड़ रुपये, उसके उद्घाटन शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी आपने देखा किया गया है। द्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लेह और करगिल के अनेक गांवों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। वहीं श्रीनगर अरुस्तेंग द्रास कारगिल ट्रांसमिशन लाइन का तो मुझे ही शिलान्यास करने का अवसर मिला था और आज लोकार्पण भी
मुझे ही करने का सौभाग्य मिला। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से अब लेह लद्दाख की बिजली की समस्या कम होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है, लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा